अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज की मेरी वीडियो है समर बेस के ऊपर, गर्मियों में किस तरह से बेस बनाएं कि स्वेट प्रूफ भी हो, केकी भी ना लगे और लॉन्ग लास्टिंग भी हो। स्किन को स्मूथ बनाने के लिए मैंने यूज़ किया है मॉइस्चराइज़र। आप क्वांटिटी में कमी कर सकते हैं लेकिन मॉइस्चराइज़र स्किप मत कीजिएगा। नेक्स्ट मैं मेगा फिक्सर से मॉइस्चराइज़र को लॉक कर दूंगी ताकि स्वेटिंग ना हो। अगर आपको ज़्यादा स्वेटिंग का इशू है तो आप प्राइमर लाजमी अप्लाई करें, जेल या वाटर बेस्ड, जो ऑयल को कंट्रोल करें। मुझे स्वेटिंग का मसला नहीं है तो मैं प्राइमर स्किप कर रही हूँ। फिक्सर को ड्राई करें, स्किन स्टिकी होने लगे तो आप अपना मेकअप स्टार्ट करें। अब मैं अप्लाई कर रही हूँ कलर करेक्टर अपनी स्किन को इवन करने के लिए। आप इसके रिज़ल्ट देख सकते हैं कि किस तरह से इसने मेरे डार्कर एरियाज को बिल्कुल हाइड करके इवन कर दिया है। अब मैं यूज़ कर रही हूँ ये पैनकेक, इसको इंडियन बेस भी कहते हैं। मैं ये पैनकेक इसलिए इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि ये वाटर प्रूफ है और गर्मियों के लिए बेहतरीन है। मैं इसको मेकअप फिक्सर से वेट करके यूज़ करती हूँ ताकि इसकी फिनिशिंग और अच्छी आए और मैट लुक आए। सकते हैं कि किस तरह से क्रीमी कंसिस्टेंसी में आ चुका है। अगर आपको इसको ब्लेंड करने में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप इसको इस तरह से बिल्कुल भी अप्लाई मत कीजिएगा। इजी ब्लेंडिंग के लिए आप इसको फॉरहेड पर अप्लाई करें, फिर उसको ब्लेंड करें, आप चीक पर अप्लाई करें, उसको ब्लेंड करें, थोड़ी थोड़ी एरिया पर लगाते जाएं और उसको ब्लेंड करते जाएं। मैं यूज़ करूँगी लूज पाउडर, फुल बेस को अच्छी तरह से लॉक कर दूंगी इसके साथ। कोई क्रीज नहीं है, कोई पैची लुक नहीं है, बिल्कुल मैट फिनिश आएगी। और मेरी बेस यहाँ बिल्कुल रेडी हो चुकी है। बिल्कुल भी ट्रांसफर प्रूफ नहीं है, पूरी तरह से वाटर प्रूफ है। कहीं से भी नहीं उतर रही। सो अब मैं अपना फुल फेस का मेकअप करके वापस आती हूँ और ये है मेरा फाइनल लुक इस बेस के साथ जो मैंने क्रिएट किया है। सॉफ्ट सटल सा समर लुक है। उम्मीद है आज की वीडियो से आप लोगों को कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। और मेरा फाइनल लुक आप लोगों को कैसा लगा ये भी ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।